मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं चल सकते। वो क्यों? क्योंकि मैं हवेली जा रहा हूँ काम करने। तंग नहीं करूंगा मैं आपको, मेरा पता भी नहीं चलेगा। काम खत्म होते ही हम वापस आ जाएंगे। दिन भर क्या वाकयात पेश आए मुझे नहीं पता। कहाँ कहाँ जाऊंगा, किस वक्त वापस आऊंगा, तुम्हें नहीं ले जा सकता। हवेली के मामला ठीक नहीं है, किस वक्त क्या हो जाए कुछ खबर नहीं। आप मेरा इंतजार ना करें तो बेहतर होगा। आपके पास जो भी सामान है वो ले लें और बग्घी में वापस लौट जाएं। मैं यही सोच रही थी, जाहिदा को बस कहने ही वाली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाहीन अफंदी? किसने बताया कि यूनुस अफंदी कहां जा रहे थे और किस काम से? तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ बाबा कौन है तुम्हारा मुखबिर? मेरे राजों की खबर कौन देता है तुम्हें? ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? पोसिका, जमलानी, बेथली, एकेंजिले, ये रहे दस्तावेजात। आपको किसी पर शक है क्या? अगर पता होता तो वो इस तरह आजादाना मेरी हवेली में घूम फिर सकता था अफंदी? आप ऐसा नहीं करते यकीनन। अगर आपको मालूम होता तो आजाद ना होता वो। जब तक आप पहचानते नहीं, सांप आपकी आस्तीन में पलते रहेंगे। हमने अशरफियां तुम्हें अपने कमरे खास में दी थी ना? हर पोटली में हजार अशरफियां हैं, किसी को भी इसकी खबर ना हो। जिस वक्त आपने मुझे वो जिम्मेदारी सौंपी थी उस वक्त वहां कोई नहीं था सिवाय मेरे, आपके और जलाला फंदी के। लेकिन वो तो बहरा भी है और गुंगा भी। इसके अलावा मुहाफिज होते हैं हमारे दरवाजे पर। सिपाही हसन, उसके अलावा कुल भी होती है, जाहिदा की करीस है, वो भी मेरी खिदमत के लिए हाजिर होती रहती है। बस यही लोग हैं। बाकी सारे हमारे मजबूत बर्तन हैं। बर्तन भी मिट्टी से ही बनते हैं सरदार। पानी ना मिले तो दरार पड़ जाती है, फिर उस दरार से पानी रिसता है, चाहे पानी हो या फिर रास। जैसा कि आपने कहा, बहुत जिम्मेदार और अच्छा बच्चा है आपका भांजा, माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल कोई शक नहीं, इसके अलावा वो बाअदब और नेक भी है। अक्सर कहता है कि ये बोसीदा घर बेचकर कहीं और चलते हैं। तुम्हें कभी कोई दुख दर्द ना पहुंचे। अल्लाह राजी हो आपसे। अल्लाह बरकत फरमाए। जजाक अल्लाह। आप भी लीजिए खाला। दरगाह में रहता है कासिम, उसूल और खिदमत से अच्छी तरह वाकिफ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अच्छी तरह से ख्याल रखता है, इसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं।
अच्छा ये बताओ कि किस दरगाह के दरवेश हो तुम भला कासिम आगा? ताब्दू कैमरे की दरगाह से वाबस्ता हूँ। कब और कहां कैसे सांस लेता हूं यह तक उसे मालूम है। मुझे नहीं लगता लेकिन तुम्हारे कहने पर सोचा तो मुहाफ़िज़ों का निगरान सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यूनस। हमारे सबसे करीब तरीन खादिम तो बस यही लोग हैं। आखिर तुम इस गद्दार को कैसे पकड़ोगे यूनस? हमारे शेख कहते हैं इंसान को अपने मकसद के मुताबिक ही राह का इंतखाब करना चाहिए। उसूल के बगैर हुसूल मुमकिन नहीं। इंशाल्लाह कल तक कोई ना कोई नतीजा निकल ही आएगा। अब इजाजत दीजिए मुझे। यूनुस अफंदी, हम चंद खैमों के या कस्बों के सरदार नहीं, ना किसी खाना बदोश कबीले के। हम रियासत के हुक्मरान हैं। याद रखना, इस मुमलिकत के लिए वक्त पड़ने पर हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। ये फर्ज हम किसी और को भी सौंपना चाहेंगे। किसको? अम्मा जान कैसी हैं? बताया नहीं। बिल्कुल ठीक है। बहुत खुश थी तुम्हें देखकर। इतने अरसे बाद जो देखा था उन्होंने। हाँ, लेकिन इतने अरसे बाद भी शेख बाबा मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। तुम हर बार मुझे बग्घी में भेजने की जिद करती हो ना? ऐसा करती हूँ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर ही देती हूँ। इससे अच्छी बात क्या होगी? जरूर जाओ बग्घी पर। अभी कह देती हूँ तुम शाम में यूनुस अफंदी के साथ चले। नहीं, जल्दी जाना है मुझे आज। क्यों, यूनुस अफंदी जल्दी नहीं जा सकते क्या? वो नहीं जा सकते जल्दी, और मुझे बहुत से काम है। तो आ जाओ फिर। कहाँ पर? अस्तबल चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी घोड़ी दिखाती हूँ, पसंद आएगी तुम्हें। चलो चले, चलो आओ। कैसे मिजाज हैं घोड़ी के? इसकी तबीयत ठीक नहीं आज। मैं बासिम सुल्तान को घोड़ी ही दिखाने लाई थी। खुशामदीद आपको। शुक्रिया आपका। मुझे देर हो रही है ज्यादा। मोहतरमा पहले तो आती ही नहीं थी और अब जाने का नाम तक नहीं लेती। वजह जानते हो?
जुबानी कलामी बातों पर इशारा नहीं देना चाहिए। अल्लाह का बहुत करम रहा है मुझ पर, अपने अखलाक की वजह से शेख का दिल जीतने में कामयाब रहा। अच्छा, इसके बाद तुम उनके नायब क्यों नहीं बने? क्योंकि दरगाह में कोई औहदा तलब नहीं किया जा सकता। इन बातों का हमें क्या पता बेटा, हम तो बिल्कुल ही जाहिल लोग हैं। बाद में शेख ने खुद मेरे नायब होने का ऐलान कर दिया था। वो दिन है और आज का दिन ताब्दु कैमरे की दरगाह में हमारा एहतराम किया जाता है और खातिर भी की जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा ही होना था कासिम आगा। क्या उन्हें तुमसे ज्यादा अखलासमंद मिल सकता था? शर्मिंदा ना करें। ताब्दुक एमरे से तुम्हारा ताल्लुक कैसा रहा, ये तो बताओ जरा भांजे। बहुत मोतबर हैं हमारे शेख, जरा बराबर भी फर्क नहीं रखते वो अपने मुरीदों में। हाँ, अगर आप नायब हो तो बात अलग। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की? जाहिदा, मुझे किसी भी सूरत में जाना है, बहुत से काम है जिन्हें ऐसे ही छोड़कर आई हूं मैं। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं तुम्हारे साथ? क्या शाहीन के होने से मसला है तुम्हें? ये मैंने कब कहा है तुमसे जाहिदा? बस जुबान से ही नहीं कहा है। दिन बखैर हो आपका। शुक्रिया आपका। बासिम सुल्तान को बस रवाना ही कर रहे थे। मुहाफिज हसन आपको बग्गी पर ले जा सकता है। हसन अफंदी, बग्गी तैयार कीजिए। अल्लाह सलामत रखे उन्हें। हम जो भी जानते हैं सिर्फ शेखे मोहतरम की बदौलत। कैसा हसीन इत्तेफाक है, ताब्दुक एमरे हमें भी अच्छी तरह जानते हैं। वो यहां भी आएंगे, यकीनन वो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। देखा बेटा, मैं ना कहती थी कि शेख मोहतरम एक दिन यहां खुद तशरीफ लाएंगे। खुद तशरीफ लाएंगे। खुशी हुई जानकर। मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका मिलेगा। खाला की दवाइयों का वक्त हो गया है। आप लोगों को भी भूख लगी होगी। देखा इस बच्चे को, कितना बेसब्रा है ये। मालूम है मकान बेचने के लिए भी जल्दी कर रहा है, बड़ा ही जल्दबाज है।
इससे पहले के फंसो, यहां से फौरन निकल जाओ कासिम आगा, तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम्हारा कुछ सामान गिर गया है कासिम आगा। माफ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूं, वादा करता हूं यह हरकत दोबारा नहीं करूंगा। आप तो जान ही गए हैं कासिम नहीं हूं मैं। हमारा नाम इस्तेमाल करने वाला, काश कोई ढंग का आदमी होता। कुछ नहीं चुराया मैंने, चाहे तो तलाशी लेके देख ले, कुछ नहीं मिलेगा। हमने कब कहा कि तुमने कुछ चुराया है अजीजम? बली थोड़ी हो, चोर हो, ये तो तुम्हारा काम है। शुक्र करो कि शेख यहां है, वरना कुछ ऐसा हो जाता कि हमें अफसोस होता। जनाब एक दरख्वास्त है आपसे मेरी, खाला से कुछ मत कहिएगा, उन्हें दुख होगा बहुत। आप मेरी इतनी सी बात तो मान ही लेंगे? फिक्र ना करो, बिल्कुल फिक्र ना करो, उन्हें नहीं बताएंगे। चूंकि तुम उन्हें सच बताकर उनसे माफी मांग सकते हो। वो भाग गया शेख, मैं उसे नहीं पकड़ सका। वो सिर्फ हमसे भाग रहा है तो वो बच गया। आज तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया आज। अभी बताता हूं तुम्हें, चलो मेरे साथ, हाथ धोते। देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं, अभी बताता हूं तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पीर भाई, अल्लाह के वास्ते इसे यहां से ले जाइए। अब क्या कर दिया इस्माइल ने? बावर्ची खाना तबाह कर दिया, और क्या पूछे आप। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए अली ताईगो, मैं इसके कान खींचकर सीधा करता हूं इसे। चलो वहां बैठो। बैठो। क्यों परेशान करते हो पीर भाइयों को? देखो ये सब लोग दरगाह के कामों में मसरूफ रहते हैं, तुम क्यों इनके काम खराब करते हो इस्माइल? हर कोई मुझ पर बस चीखता ही रहता है। कौन चीखता है तुम पर? बासम सुल्तान भी अब मेरी परवाह बिल्कुल नहीं करती हैं। क्या करूं? बासिम सुल्तान वापस आ गई हैं क्या?
आ गई हैं, बड़ी शानदार बग्घी में आई हैं। खाला। हाँ बेटा, ये बताओ मेहमान कहाँ चले गए? हम यहीं हैं खाला, हम यहीं हैं। मगर खुद को आपका भांजा जाहिर करने वाला एक बहरूपिया था, उस चालबाज ने मेरी जगह ले ली थी खाला। आपका सगा भांजा मैं, कासिम आखा, आपका हकीकी भांजा। उसकी नीयत महज आपके मालो जायदाद पर कब्जा करना था, मगर रब ने ऐसा होने नहीं दिया। हम मौके पर पहुंच गए, शुक्र है, मगर वो भाग निकला। आप बेखौफ हो जाइए, वो यहां दोबारा नहीं आएगा, चालबाज इंसान। सब पता है मुझे, झूठ बोल रहा था वो। जानती थी मैं कि वो कौन था, क्या चाहता था। आंखों की बिनाई से महरूम हूं, अकल से नहीं हूं बेटा। जो भी था, जैसा भी था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। सगी औलाद से बढ़कर ख्याल रखा है। शेख मोहतरम, हुसैन अफंदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्तग़फिरुल्लाह, हम इस काबिल नहीं हैं। खुशी हुई मुझे आपको यहाँ देखकर। हम धुंधुदाई को देखने आए थे यहाँ। अच्छा किया आप तशरीफ लाए, इसका मतलब आप हमारे मेहमान हुए। चलो शाम को देखेंगे कौन किसका मेहमान है। हम आपको बहुत याद करते थे, और देखें आप आ गए। माफ कीजिएगा शेख मोहतरम, मगर आज हम आपको जाने नहीं देंगे। अच्छा जाओ, देर हो गई तो तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे, शाम होगी तो देखा जाएगा। जी। क्या कहा उन्होंने? हमें कैसे खबर हो सकती थी शेख, क्या शर भी कभी रुका है? ना शर रुकता है ना मर्द रुकता है। तुम खुद को परेशान ना करो कासिम। शेख मोहतरम, मैं यहीं ठहरूंगा। खाला को इस हाल में अकेले छोड़ना मुनासिब ना होगा। शर्मिंदा हूं, मेरी बातें बेरब्त हैं, मगर या मैं यहां रुकूंगा या मुझे खाला को अपने साथ ले जाना होगा।
पहले शाम होने दो कासिम, हम दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, निकल आएगा कोई ना कोई हल जरूर। शेख नहीं है और ना ही कासिम आफंदी यहां पर मौजूद हैं, इसलिए आप ही गुफ्तगू करें तो मुनासिब होगा। हम तो बस अदब से सुनने वालों में शामिल हैं, बोलने का हुनर तो दूसरों के पास है। मौका मिल ही गया है तो कुछ तो बात कर लें आप। ना ही शेख मोहतरम है ना ही कासिम आगा, उनकी मसनत का लुत्फ उठाइए। अच्छा तो ये बताइए साथियों, आप लोग कैसे हैं? बाग बागीचे कैसे हैं आपके? चरागाहें कैसी हैं? जब तक आप हैं सब खैरियत ही रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आप भी बताइए ख्वातीन, बहनों, आप सब लोग कैसी हैं? कोई शिकायत तो नहीं मर्दों से? बिल्कुल नहीं शेख, अल्लाह के करम से नहीं है शेख, कोई शिकायत नहीं है शेख मोहतरम। आपके चाहने वाले आपसे फैज हासिल करना चाहते हैं शेख मोहतरम। हमारे पास देने के लिए है ही क्या आगा साहिबान? न दुनिया में दुनिया की कोई चीज, ना आखरत के लिए आखरत का कुछ सामान। शेख साहब, आजकल बहुत से लोग नमाज और रोज़े से दूर हो रहे हैं, आप ही बताइए हमें कि हम क्या करें, कैसे उन्हें तंबीह करें कि वो इबादत की तरफ माइल हो सकें। आप अपने आप को बताइए, अगर आपको कोई बात बतानी है मैं अपने आप को बताऊंगा, अगर मुझे कुछ बताना हुआ। हम कैसे मदाखलत कर सकते हैं कि किसने क्या छोड़ दिया? तराजू उठाकर लोगों के गुनाह तोलते फिरें क्या? अपने गुनाहों का वजन करने वाला कोई तराजू है क्या जिसमें इंसानों के गुनाह तोले जाएं? लेकिन अगर आशिक माशूक से अपनी मोहब्बत का इजहार न कर सके तो भला वो कैसा इश्क हुआ? अल्लाह को हमारे रोजे और नमाज की हाजत है क्या? आप ही बताइए जरा। इसके बरक्स बंदे को रोजे और नमाज की हाजत है, क्योंकि नमाज पढ़कर और रोजा रखकर बंदा मकाम वसल तक पहुंचता है। फरमान रब है, तुम मेरे हुजूर दूसरों के हक अदा किए बगैर ना आओ, हर शय की माफी है मगर हुकूक़ लिबाद की माफ़ी नहीं है। वो कहता है उन्हें तो मैं भी माफ़ नहीं कर सकता। हाँ तो फिर क्या है असल मसला? मजदूरी, ईमानदारी से काम करना, हासिल करना, शरीक करना, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसका हक अदा करना, किसी बाग से अंगूर का एक दाना भी बगैर इजाजत नहीं ले सकते, तराजू के पड़ले हमेशा बराबर रखना, यहां मौजूद हमारी बहनों से शुरू करते हुए तमाम औरतों और बच्चों से, मुश्किल का शिकार लोगों से, छोटी और बड़ी तमाम मखलूकात से एहतराम के साथ पेश आना चाहिए, हाथ और जुबान से किसी को भी नुकसान न पहुंचाना। अलहासिल हलाल में हराम की आमेजिश न करना, बाकी सब कुछ आसान है, हुकूक़ लिबाद असल इम्तिहान है। क्या फरमाते हैं हमारे सुल्तान हाजी बख्ताश?
तुम कोई लुकमा लेने से पहले उसके सही मुस्तहिक बनो। जिस किसी भी मकाम पर बैठो उसे साफ रखो। दीन में यही पैगाम मजमूई तौर पर हर जुमले में दिया गया है। यहां तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं, किताब ही पढ़ लेते हैं फिर। अच्छा, तुम्हें पढ़ना आता है क्या? नहीं तो, आपको आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। क्या सारी किताबें पढ़ सकते हैं? अपनी जुबान में हो तो पढ़ सकता हूँ। फारसी में हो तो? वो तो नहीं आती। अरबी में? वो भी नहीं आती मुझे। चाहे हम जितनी जबानें सीख लें, हमारी पहचान हमारी अपनी जबान ही होती है। ये तो सभी जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। पता है हर जबान इर्तका के मुख्तलिफ मराहिल से जरूर गुजरती है, तब कहीं जाकर वाज़े और जामे जबान बनती है। हमें यह जबान सिखाने वाले मकतब अपने आप में कायनात है। अच्छा बताओ, सूरज किस समत से तुलू होता है? मशरिक। और गुरूब? मगरिब। चश्मा फूटने के मकाम को सर चश्मा कहते हैं, और बहने को बहाओ। समझे? जानते हो, चाहे जबान कोई भी हो, हकीकत से जन्म लेती है, इसीलिए सच्ची होती है, दिल में उतर जाती है, जामे है। इसके वाजे होने में अजमत, जामे होने में बहुत से राज छुपे हैं। हर किसी के लिए उसकी जबान अहमियत रखती है, इसलिए हमें भी अपनी जबान पर नाज है। शेख मोहतरम, हम अरबी जबान से ज्यादा वाकिफ नहीं। हम लोग जब भी दुआ मांगते हैं तो अपनी ही जबान में मांगते हैं, मगर दिल में एक शक रहता है, हमारी दुआ कबूल भी हुई या नहीं। क्या अल्लाह सब जबानों से वाकिफ है? अल्लाह हर जुबान जानता है हुसैन अफंदी। तुर्की भी जानता है, फारसी भी जानता है, अरबी भी जानता है, कुर्द जुबान भी जानता है, बाजंतीना की जुबान भी जानता है, और रोम आर्मिनाई जालिम मंगोलों की जुबान, बाबर की ममलिकत के हिंदुओं और चीनियों की जुबान, हत्ता के वो गूंगों की जुबान से भी वाकिफ है। पत्थर, मिट्टी, नहर और तुलू होता सूरज, गुरूब होता चांद, मुतहर्रिक सैयारे, दरख्त की खो में बैठा हुआ उल्लू, बर्फ के नीचे मौजूद जानदार, समंदर के पेट में मौजूद मछली, मछली के पेट में मौजूद यूनुस, मादे की और मानी की हर जुबान वो जानता है, बस हम नहीं जानते। यही सबब है जो अक्ल कहती है कि हुसैन आफंदी अब सुकून से रह सकते हैं। वो तुम्हारे दुआ मांगने से पहले उसे जानता है, बस हम नहीं जानते। हमें सिर्फ अपनी मादरी जुबान आती है। हर किसी की मादरी जुबान उसकी माँ के दूध की तरह उसका हक है। माँ का दूध हलाल भी है और हयात बख्श भी, बशर्ते कि हम तौहीद की जुबान को हरगिज न भूलें, उसके मानी न बदलें। हमारी बात हो तो हम सारी जुबानों में तुर्क जुबान जानते हैं, हम दूसरी जुबानों में बुड़बुड़ा भी लें तो बात तुर्क जुबान में ही करेंगे। दूसरे लोगों की तरह हम अपनी जुबान पर शर्मिंदा नहीं हैं। क्या फरमाते हैं हमारे जद्द अमजद पीर अहमद यसवी हजरत, खुद को उलमा कहलाने वाले हमारी तुर्की जुबान पसंद नहीं करते,
मगर सियाने बात करते हैं तो वो हमारे दिल में उतर जाती है। आए तो हदीस तुर्क जुबान में ही सुनाई जाए तो सुनते हैं, जो इसके मानी समझते हैं वो सरे तस्लीम खम करके अमल करते हैं। ए मिस्कीन ख्वाजा अहमद, तुम्हारी सात नस्लों पर खुदा की रहमत, फारसी जुबान जानते भी हो तो तुम तुर्की जुबान ही अपनाए रहो। हाँ यही जिंदगी है साथियों, वक्त काफी हो गया, मर्द तो दिन चढ़े तक सोते रहते हैं मगर हमारी बहनें तुलुए आफ्ताब से पहले ही जाग जाती हैं। कोई अहम बात है तो मैं चली जाती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, बस ताब्दू कैमरे की दरगाह को अतिया करने वाली बोजिका की अराजी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं सरदार, अगर आप मुनासिब समझें। जैसा तुमने कहा है बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है यूनुस अफंदी, अब आगे क्या करना है? बस इंतजार करना है। जाल बिछा दिया है तुमने? शेख यूसुफ अफंदी हजरत ने हमारे पास एक दरवेश भेजा है, वो आपको किरमान आने की दावत दे रहे हैं शेख। कैसी बातें करते हैं। बर्तनों पे गुस्सा मत उतारो शाही, खाना तमीज सिखाओ, तुम्हारी चाल इस पर तो नहीं चल सकी यूनुस अफंदी। हो सकता है शाहीन आगा मासूम हो। मासूमियत को भी शर्म आएगी अगर वो शाहीन के पास हुई तो। सोचो यूनुस अफंदी, उसे किस तरह पता चल सकता है कि मैंने तुम्हें अशरफियां देकर किसके पास भेजा है।